नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट। आज के इस वीडियो में हम ट्रैक्टर से जुड़ी एक ऐसी आधुनिक तकनीक के बारे में आपको बताने जाएंगे जो कि हमने कवर की चंडीगढ़ कृषि मेले में, और इस तकनीक के बारे में आपको पूरी ही जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का जो बटन है वो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसे दबाते ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका गुड नेम? मैं सुब्रमण्य हूँ, मैं बॉश कंपनी से हूँ जी। तो अभी हम इधर नया सिस्टम दिखा रहे हैं ट्रैक्टर के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक हिच कंट्रोल जी, जो ये पूरा लिफ्ट कंट्रोल के लिए नया टेक्नोलॉजी जी। ये फार्मर के लिए सबसे पहला सुविधा है, सेफ्टी है, और जो क्रॉप बनाते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होता है जी। तो ये सिस्टम अभी इधर दिखा रहे हैं। इसका क्या क्या यूज है थोड़ा सा किसान भाइयों को समझा देंगे जी। आप इधर देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो देखेंगे आप इधर, यहाँ पे हमने पूरा एकदम नया सिस्टम है। इसमें आपको लीवर वाला कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप देख सकते हैं पूरा जो लिफ्ट का जो भी काम है आप इधर ये पैनल से हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। आपको इससे पूरा जो लिफ्ट का काम है, पोजीशन है, कंट्रोल है, ड्राफ्ट कंट्रोल है, मिक्स कंट्रोल है, और कुछ भी एडजस्टमेंट करना है पूरा इधर से हो जाएगा। मैं आपको पूरा फंक्शन आपको बेस्ट स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये जो रेयर पुश बटन दिया हुआ है जी, इसको क्या हम जब भी इंप्लीमेंट लगाते हैं नहीं तो निकालते हैं, क्या होता था पहले जो लीवर सिस्टम था, पहले ट्रैक्टर में ड्राइवर रहता था और नीचे एक बंदा लगाना पड़ता था। अभी क्या है, आप जस्ट ट्रैक्टर को ऑन करो, आप इधर आके इंप्लीमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। इससे ये जो लिफ्ट है ऊपर नीचे उठेगा, उसके बाद में आप इंप्लीमेंट एडजस्ट कर लो, बाद में आप जाके खुद चला सकते हो। तो आपका इससे फायदा है, तो आराम से चला सकते हो। इसके बाद में इधर इधर देख सकते हैं ये पैनल में बहुत सारा बटन दिया हुआ है, ये सभी एक बार सेट करना पड़ा आपको। एक बार सेट करने से आपको पूरा जो इंप्लीमेंट, एक इंप्लीमेंट आराम से पूरा खेती तक चला सकते हैं। इसको बोलते हैं जो इंप्लीमेंट ऊपर जो नीचे जाता है, समझिए आपके पास भारी वजन का इंप्लीमेंट है, उससे क्या होता है इंप्लीमेंट बहुत जल्दी से नीचे जाएगा और ज़मीन पर हिट कर देगा, नहीं किसके पैर में गिर गया, ये उसका स्पीड को कंट्रोल करता है। इसको एक बार सेट करना है आपका इंप्लीमेंट के हिसाब से, और ये जो बटन है ये नीचे करेगा इंप्लीमेंट को, स्टॉप कर देगा और ये ऊपर कर देगा, ट्रांसपोर्ट मोड बोल देगा। ये जो है हाइट है इंप्लीमेंट का, जब ऊपर उठेगा कितना ऊपर उठ रहे हैं, समझिए आप कल्टीवेटर लगा के चला रहे हैं, एक मोड होने के बाद आपको उठाना है, तो हर एक टाइम आपको पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे आप एक बार एडजस्ट कर लीजिए कितना ऊपर उठना है, बस इसको एक बार ऊपर उठा के देखिए हाइट एडजस्ट हो गया, नहीं तो और थोड़ा ऊपर उठाइए, बाद में हो गया, सेटिंग हो गया। इसके बाद में आप कौन सा खेती पर चलाते हो, कल्टीवेटर चला रहे हो, एम बी प्लो चला रहे हो, हार्ड सॉफ्ट, मतलब सॉइल जो है हार्ड है सॉफ्ट है, उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लो। पूरा हार्ड सॉइल है, एकदम हार्ड सॉइल है तो आप इसको प्योर डीसी में कर लो, ड्राफ्ट कंट्रोल में, नहीं तो पूरा पोजीशन कंट्रोल में कर लो। और इसमें एक और नया एडवांस टेक्नोलॉजी है मिक्स कंट्रोल, जो मैकेनिकल दो लीवर में नहीं होता है जी, आइदर वो पोजीशन कंट्रोल में चलता है नहीं तो ड्राफ्ट कंट्रोल में चलेगा। इसमें आप देखिए पूरा ये मिक्स मोड में चला सकते हैं। अभी क्या है, जो इंप्लीमेंट आप चल रहे हैं 70% ड्राफ्ट कंट्रोल में जाएगा और 30% पोजीशन, मतलब आपको पूरा ड्राफ्ट का लोड भी मिलेगा, पूरा इंप्लीमेंट एकदम डाउन में, मतलब पूरा कितना कैपेसिटी है उसमें आपको कल्टीवेटर चलेगा और पोजीशन भी मेंटेन करेगा। उससे आप, हमने जो वीडियो दिखाया है हमारा वेबसाइट में जो वीडियो है यूट्यूब में, उसमें आप देख सकते हैं, उससे एकदम लेवल पर आपका खेती होगा। उसके बाद में एक और फीचर दिया है फास्ट सिंक, मतलब आप एक वही इंप्लीमेंट चला रहे हैं, एक किधर बीच में आपको खेती छूट गया, कल्टीवेटर नहीं चला है, बस ये बटन दबा से पूरा डाउन में चला जाएगा और पूरा ऊपर उठेगा। ये सभी सेटिंग होने के बाद आप बस इसको ये मोड में लगाना है जी, और इसको आपको ट्रैक्टर को आगे लेके जाना है और इधर डेप्थ सेट करना है, समझे कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, आपको लगा ये डेप्थ प्रॉपर है, आप इसको चलाते रहो और किधर भी जाएगा आपको उसको पूरा डेप्थ देना है, तो बस ये बटन दबा दो और छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपने जो हमने जो पहले सेट किया था उसमें आके रुक जाएगा जी, और ये हो गया। अभी समझो आप बड़ा हैवी इंप्लीमेंट लेके जा रहे हो, नॉर्मली क्या होता है इससे आपको एकदम हैवी इंप्लीमेंट आगे का टायर बार बार उठता है, उसी के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी निकाला, उसको बोलते हैं एक्टिव डैम्पनिंग। आप बस एक बटन एक बार दबाने से जो भी आप जो ट्रैक्टर के इंप्लीमेंट का जो झटका ट्रैक्टर में आएगा वो सिलेंडर अपने आप एडजस्ट कर लेगा और आपका आगे का टायर उठेगा नहीं, आप आगे का वेट डालने की और सभी से कुछ नहीं है। आप जो नॉर्मल बिना इंप्लीमेंट में कैसे चलाते हो
विथ इम्प्लीमेंट में आराम से चला सकते हो। और इसमें कुछ भी दिक्कत आया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कुछ भी दिक्कत आया तो इधर डिस्प्ले दिया हुआ है, ये डिस्प्ले में आपको एरर कोड नंबर बता देगा, आप बस आपको डीलर को फ़ोन करके बोलना ये नंबर दिखा रहा है, तो वो प्रोडक्ट लेके आ जाएगा अपने आप। तो इसमें क्या है, आपको ट्रैक्टर को चलाने में आसान है। इधर देखिए ये ऐसे माउंट होगा ये पैनल, तो ट्रैक्टर को फर्स्ट है, बार बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, सेटिंग एक बार करना है, बाद में लीवर नहीं है, आराम से बस ट्रेनिंग बस चलाना है, बस ऊपर नीचे करना है, बार बार मूछे पुड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें बैक में जो पेन होगा वो नहीं होगा, और ट्रैक्टर बार बार ओवरलोड नहीं होगा, तो आपका इंजन लाइफ ज़्यादा आएगा और आपका तेल का बचत होगा। डे टू डे में आप बोलते तेल का ज़्यादा बचत मिलेगा आपको, उसके हिसाब से ट्रैक्टर का लाइफ भी बढ़ेगा, क्योंकि बार बार घिसेगा नहीं, फंसेगा नहीं ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर घिसेगा भी नहीं है, तो उसका टायर है, ट्रैक्टर का ओवरऑल लाइफ भी ज़्यादा आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो चलाने वाले को कंफर्ट मिलेगा। और एक बात है, किसी भी इसको चला सकता है। पहले क्या है, ट्रैक्टर चलाना मतलब उसको जानकार चाहिए, कौन सा इंप्लीमेंट कैसे सेट करना है, लीवर कितना उठाना है, नीचे चलाना है, पोजिशन में, अभी उससे कुछ नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर को चला सकता है। ये नया टेक्नोलॉजी बना है, अभी हमने एक और इसमें ऐड किया है लैंड लेवलर, लेसर लैंड लेवलर। पहले क्या होता था, लेसर लैंड लेवलर के लिए आपको स्पेशल ट्रैक्टर लेके आना पड़ता था और बहुत महंगा होता था। अभी यही सिस्टम और कुछ कंपोनेंट नहीं है, यही हाइड्रोलिक सिस्टम और यही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप देख सकते हैं लेसर लैंड लेवलर को भी चलाएगा। बस एक हाइड्रोलिक होस रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहेगा। यही सिस्टम लेसर ट्रांसमीटर रिसीवर के द्वारा पूरा लेसर लेवलिंग का काम भी करेगा। इसे आप लेसर लेवलिंग, पहले जब बहुत सारा बॉक्स में बहुत सारा बटन रहता था, कोई बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो ये जो कंट्रोल पैनल है, बस इसको बटन को एक बार दबाना है तो लैंड लेवलिंग एक्टिवेट हो जाएगा और अपने आप चलता रहेगा। समझो सिग्नल मिस हो गया, कुछ फंस गया, कुछ भी हो, बट ये बटन एक बार दबाना है तो हल्का सा ऊपर उठेगा, छोड़ने से फिर से जो सेट पॉइंट है, जो लेवलिंग पॉइंट आपने सेट किया था, उससे अपने आप चले जाएगा। बस दो ही बटन है और कुछ नहीं है, जो भी कौन सा भी फार्मर हो खुद लेसर लेवलिंग कर सकता है। आपके लिए स्पेशल ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको रेंट के लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही ट्रैक्टर लेसर लैंड लेवलिंग करेगा। ये हमारा टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस तरह की जो तकनीक है विदेशों में तो पहले से ही कई सारे ट्रैक्टरों के अंदर मौजूद है, लेकिन फिलहाल भारत के लिए यह तकनीक नई है। इस तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।